Hello students, welcome to history class 12th. Students, in recent video we have discussed about the introduction of chapter Bhakti Sufi traditions. Now we will start our first topic, a mosque of religious beliefs and practices. So students, mosque का मतलब क्या होता है? हमारे इंडिया में देखिए बहुत सारे religions हैं, बहुत सारे beliefs हैं, बहुत सारे cultures हैं. उन सभी का इकट्ठा मिलाकर हमारा इंडिया बना है, इसको इसलिए मौसिक कहते हैं. मौसिक का मतलब क्या होता है? एक एक ही पिक्चर में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया जाए, एक पैटर्न ऐसा जिसमें अलग अलग तरह की चीजों को मिलाकर रखा जाए. तो देखिए, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस फेज इज द इंक्रीजिंग विजिबिलिटी वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन स्कल्पचर एज वेल एज इन द टेक्स्ट. तो अब तक हमने पढ़ा विष्णु और शिवा के बारे में ज्यादातर था, लेकिन जैसे ही मतलब 8th सेंचुरी के बाद की बातें करें तो गॉड्स एंड गॉडेसेस का नंबर बढ़ता चला गया. एट वन लेवल दिस इंडिकेट द कंटिन्यूड एंड इवन एक्सटेंडेड वर्शिप ऑफ मेजर डाइटीज विष्णु शिवा एंड गॉडेसेस ईच ऑफ हुम वाज विजुलाइज्ड इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. पहले तो शिवा और विष्णु और गॉडेस जो मतलब देवी थी उनकी पूजा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो ये सिस्टम था ये चेंज होता गया, मतलब पूजा करने का तरीका जो था वो बढ़ता गया, नए नए देवी देवता सामने आने लगे. तो क्या कुछ सामने आया उसके बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स. हिस्टोरियंस हु हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट सजेस्ट दैट देयर वर एट लीस्ट टू प्रोसेस एट वर्क. One was process of disseminating Brahmanical ideas. This is exemplified by the composition, compilation and preservation of Puranic text in simple Sanskritic verse. Explicitly meant to be accessible to women and Shudras who were generally excluded from the Vedic traditions. So, देखिए integration of cult में integration का मतलब होता है अलग अलग चीजों को जोड़ना. Cult मतलब religious प्रैक्टिसेस वाले लोग. तो देखिए, वैदिक ट्रेडिशन में शूद्रास और वुमेन को इंक्लूड नहीं किया जाता था. मतलब जब कभी भी प्रैक्टिस की जाती थी इस रिलीजन की, वैदिक ट्रेडिशन की, तो उसमें वुमेन को और शूद्रा को इंक्लूड नहीं किया जाता, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणा ऐसा माना जाता है. अब क्या था कि ब्राह्मणिकल आइडिया को डिसेमिनेट करना है. डिसेमिनेट का मतलब कि ब्राह्मणिकल आइडियाज जो थे उनको ज्यादा फैलाना था. तो पहला सिस्टम तो ये चलता था कि ब्राह्मणिकल आइडियाज को फैलाना, इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक टेक्स्ट जो थे, पुराण जो थे, उनको लोगों को पढ़कर सुनाया जाने लगा. और वैदिक ट्रेडिशन के अलावा अब जो सिस्टम चल पड़ा था कि वुमेन और शूद्रास को भी इंक्लूड किया जाएगा रिलीजियस ऑर्डर में, कैसे इंक्लूड किया जाएगा उसके बारे में बताया जाना. At the same time, there was a second process that Brahmins accepting the reworking of beliefs and practices of those and other social categories. In fact, many beliefs and practices were shaped through the continuous dialogues between with what sociologists have described a great Sanskritic Puranic tradition and little Puranic tradition. So, एक तरफ ये था great और little. एक तरफ तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को, ब्राह्मणिकल आइडियाज को फैलाने की बातें चल रही थी, और दूसरी तरफ एक सिस्टम चलता था ग्रेट एंड लिटिल. इनके बीच में आपस में डायलॉग्स होते थे, मतलब बहस होती थी, और उस बहस के क्या नतीजे निकलते थे वो नतीजे सोसाइटी में अडॉप्ट किए जाते थे. तो ये कौन थे? ग्रेट्स एंड लिटल्स. द टर्म ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशन वर कॉइंड बाय द सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड in 20th century to describe the culture practices of peasant society. He found that the peasant observed ritual and customs that emanated from dominant social category, including priests and rulers. These were classified as a part of great tradition. At the same time, peasants who followed the local practices that did not necessarily correspond with the great tradition. So, dekhiye, रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया कि 20th सेंचुरी में जब वो मतलब इंग्लिश लोग जो इंडिया में थे उस टाइम बताया कि लोकल लोग जो थे वो जो लोग मतलब
उन लोगों के कस्टम्स फॉलो करते थे, रीति रिवाज फॉलो करते थे जो मतलब अपर क्लास थे, जैसे प्रीस्ट और रूलर्स थे, उनको तो कहते थे ग्रेट ट्रेडिशन। जो अपना सिस्टम फॉलो करते थे उनको कहते थे लिटिल ट्रेडिशन। और ग्रेट और लिटिल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, रिलीजन वही था लेकिन ट्रेडिशंस अलग अलग थे। दीज ही इंक्लूडेड विद इन द कैटेगरी ऑफ लिटिल ट्रेडिशन। ही ऑल्सो नोटिस दैट बोथ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन चेंज ओवर टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। वाइल स्कॉलर एक्सेप्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कैटेगरीज एंड प्रोसेसेस, दे आर ऑफन अनकंफर्टेबल विद द हायरार्की सजेस्टेड बाय द टर्म ग्रेट एंड लिटिल। द यूज ऑफ कोटेशन मार्क फॉर द ग्रेट एंड लिटिल इज वन वे ऑफ इंडिकेटिंग दिस। तो देखिए, सोसाइटी में जिस तरह की जो मतलब बताया गया, उन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया कि ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन था, लेकिन ज्यादा स्कॉलर्स ने ये लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन को नहीं माना। तो लेकिन ऐसा था कि जो दूसरे स्कॉलर्स थे वो क्या मानते थे। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी उड़ीसा, वेयर द प्रिंसिपल डाइटी वॉज आइडेंटिफाइड द 12th सेंचुरी एज जगन्नाथ, अ फॉर्म ऑफ गॉड। तो विष्णु और शिवा की पूजा होती थी जी, इसके बारे में अब पूरी उड़ीसा में एक टेंपल में जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो हैं जगन्नाथ की। और जगन्नाथ कौन है? विष्णु की एक अनदर फॉर्म। तो मतलब ये विष्णु की पूजा करते थे। तो ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रेट ट्रेडिशन वो मतलब जैसे अब विष्णु ही जो थे उनकी ही पूजा की होती थी, लेकिन लिटिल ट्रेडिशन में उनकी फॉर्म्स की पूजा या फिर उनके नाम को लिए बिना एक भगवान की पूजा, जो उनके लोकल डाइटी का नाम है, उनकी पूजा किए जाना। इफ यू कंपेयर फिगर 6.2 विद 4.26, ये आप फिगर कंपेयर कर लेना, यू विल नोटिस दैट द डाइटी इज रिप्रेजेंटेड इन द वेरी डिफरेंट वे इन दिस इंस्टेंट। द लोकल डाइटी हूज इमेज एंड इमेज वॉज एंड कंटिन्यू टू बी मेड ऑफ वुड बाई लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट वॉज रिकोगनाइज एज द फॉर्म ऑफ विष्णु। एट द सेम टाइम विष्णु वॉज विजुअलाइज इन ए वे दैट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, विष्णु जी की मूर्तियां हैं, विष्णु जी की इमेजेस हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की गई हैं। जैसे यहां पर जगन्नाथ, कहीं पर विष्णु जी को विजुअलाइज किया गया है वो एक अलग ही फॉर्म में, जैसे आपको पहले चैप्टर में दिखाया गया था, फोर्थ चैप्टर में आपको दिखाया गया था कि अलग सी फॉर्म है ना, वो एनिमल फॉर्म में ना ह्यूमन फॉर्म में है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से विष्णु जी की पूजा की जाती थी। सच इंस्टांस ऑफ इंटीग्रेशन एंड एविडेंट अमंगस द गॉड्स गॉडेस कल्ट एज वेल। अब ये तो हमने विष्णु जी के बारे में पढ़ा, लेकिन जो देवियां थी उनके बारे में भी इस तरह के डिफरेंसेस चलते थे। वर्शिप ऑफ द गॉडेस ऑफन सिंपली इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्मीयर्ड विद ऑकर वॉज एविडेंटली वाइड स्प्रेड। तो जो स्टोन होता था, मतलब एक तरह का तीखा स्टोन, रेज्ड स्टोन, और उसके ऊपर ऑकर यानी कि गेरुआ रंग लगा था, तो ये देवियों की को रिप्रेजेंट करता था। दीज लोकल डाइटीज वर often incorporated with the Puranic framework by providing them with the identity as wife of principal deity, male deity. Sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu. In other instances, Parvati, the wife of Shiva. तो देवियां जो principal deities थे, जैसे विष्णु थे, शिवा थे, उनकी वाइफ के नाम से जानी जाती, जैसे पार्वती और लक्ष्मी, जो मतलब शिवा और शिवा की वाइफ थी पार्वती, और लक्ष्मी जो थी वो विष्णु की वाइफ थी, इनके नाम से जाने जाते थे। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट में हमने जो देखा वो क्या है कि एक तरफ तो पुरानी ट्रेडिशन को फोर्टिफाई किया जा रहा था, आप कह सकते हो कि उसको बढ़ाया चढ़ाया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था उसके बारे में। दूसरी तरफ लोग अपने तरीके से लोकल, जैसे विष्णु की लोकल फॉर्म्स थी, उनकी इमेजेस बनाकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो ये था जी फर्स्ट टॉपिक, आप इसको कर लेंगे। थैंक यू।